देखिए मंजर जी, पूरे शहर में हर जगह कचरा है जी, सड़कें टूटी हैं, सीवर का पानी बह रहा है, जल भराव है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, स्कूल्स की हालत जर्जर हो चुकी है, मेंटेनेंस नहीं हुए, बड़ी बड़ी रोड सवारी सूरजकुंड रोड जैसी जहाँ इंटरनेशनल फेस्टिवल होते हैं वो टूटी पड़ी है, अब 4 साल में रिपेयर हुई है जी, अब दोबारा टूट गई। दो बड़कल जिसमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी जब मिनिस्टर थे, नंबर 2 पे 90 विधानसभा में सबसे सेकंड नंबर का बजट यहाँ जी, उस समय 800 करोड़ रुपए लगे थे जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के अंदर चुनाव का माहौल है इस समय। हरियाणा के अंदर अगर कोई बात आपको मिलेगी तो चुनाव की मिलेगी, और हम भी आपको प्रयास करते हैं कि लगातार चुनाव से जुड़ी बातें आपको बताते रहें। फरीदाबाद के बड़खल में मौजूद हूं, और बड़खल से विधानसभा कैंडिडेट हैं कांग्रेस के विजय प्रताप जी। विजय प्रताप जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। विजय प्रताप जी, सीधा सीधा सवाल मेरा पहला आपसे एक ये है कि 10 साल हो गए जब आप बड़खल के प्रतिनिधि थे, आपके पिताजी थे, आपके पास था, कांग्रेस की सरकार थी, इस 10 साल के अंदर बड़खल में क्या कुछ आपको बदला हुआ दिख रहा है? पूरा बड़खल ही बर्बाद हो गया भाई साहब जी। आप ये देखिए मंजर जी, पूरे शहर में हर जगह कचरा है जी, सड़कें टूटी हैं, सीवर का पानी बह रहा है, जल भराव है जी, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, स्कूल्स की हालत जर्जर हो चुकी है, मेंटेनेंस नहीं हुए, बड़ी बड़ी रोड सवारी सूरजकुंड रोड जैसी जहाँ इंटरनेशनल फेस्टिवल होते हैं वो टूटी पड़ी है, अब 4 साल में रिपेयर हुई है जी, अब दोबारा टूटने शुरू हुई जी। अभी मुझे पिछले प्रोग्राम में एक व्यक्ति मिले थे जी, बोले भाई साहब बिल्कुल सूरजकुंड गेट के आगे 2-2 फुट के गड्ढे हैं जी, प्लीज़ आप विपक्ष में आप ही फोन कर दो, ये दयनीय हालत है। अंडरपास में अभी 2 नवयुवक डूब के मर के गाड़ी डूब गई, ये हालत है जल भराव का। हर जगह गोवंश कचड़े पे मिलता है जी, 100-100 करोड़ का गोसेवा आयोग का बजट है, ये सौगात इन्होंने शेयर को दी है जी, फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी दी है जी, बेहाल कर दिया है बड़कल जी। वो बड़कल जिसमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी जब मिनिस्टर थे, नंबर 2 पे 90 विधानसभा में सबसे सेकंड नंबर का बजट यहाँ जी, उस समय 800 करोड़ रुपए लगे थे जी उस योजना में, और आज हम कहीं भी नहीं है, शहर तो छोड़ो कस्बों में हमारी गिनती नहीं है। मैं अभी आपका भाषण सुन रहा था, पिछले सोसाइटी में आप बोल रहे थे गोवंश को लेकर, आखिर आपके पास ऐसी कौन सी प्लानिंग है जिसमें ये 10 साल में नहीं कर पाए और आप कह रहे हैं 3 महीने में वो आपको रोड पर एक्टिव दिखेगा? देखिए मेरे पास भाई साहब सारी प्लानिंग है जी, हर समस्या के लिए मेरे पास रोड मैप है, कैसे दूर होगा जी। गोवंश का मैं बता देता हूँ, हमारा आयोग है 100 करोड़ बजट का, पहले तो वो काम कर नहीं रहा जी, उसके अलावा पूरा शहर देहात वहाँ पर चारा पहुँचाते हैं लोग, चंदा देते हैं, कोई पैसे की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है, पैसे को लूट के खाया जा रहा है जी, ठीक है जी, जी और बर्बाद किया जा रहा है, गौ माता के नाम पर सारा पैसा खा रहे हैं, इतना बड़ा धर्म है। गौ सेवा आयोग के तहत गौशाले बननी चाहिए बड़ी, उसमें सिविक सोसाइटीज का इन्वॉल्वमेंट हो जी, और सिविक सोसाइटीज को उसका चार्ज सौंपा जाए, मतलब गौशाला को वो लोग ही संभालें, जैसे RWAs को हम देने वाले हैं जी, सफाई कर्मचारी और हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी, इनकी हर महीने की तनख्वाह जब बटेगी, जब RWAs हमारी हर महीने रिकमेंड करेंगी जी, एक बार नहीं तनख्वाह से पहले उनके साइन जरूरी है, ये होगा अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी जी, लीकेज बंद हो जाएगी जी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी जी, तो जहाँ सही लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जी वहाँ पैसे का वेस्टेज खत्म हो जाएगी। चौथा इलेक्शन है बड़खल विधानसभा में जी, जब से बड़खल विधानसभा बनी चौथा है, 3 चुनाव एक ही कैंडिडेट आपका परिवार था और सीमा त्रिखा सामने थी जी, भारतीय जनता पार्टी को चेहरा बदलना पड़ा, सवाल आपका तो नहीं है पर क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं पूछना आपसे भी चाहूँगा, ऐसा क्या लगा कि इनको चेहरा बदलना पड़ जाए? देखिए पहला चुनाव जब बड़कर बना तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी जीते थे जी, सीमा जी कैंडिडेट थी जी, 14 में सीमा जी जीती चौधरी महेंद्र प्रताप जी से जी,
19 में पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया जी, मैं मात्र 2500 वोटों से हार गया जी, वो भी मुझे समय कम मिला। परिस्थिति कुछ भी रही जी, परिस्थिति जो भी रही जी, उस समय भी लोग नाराज हो चुके थे बीजेपी से। हाँ, शहर ने भी तकरीबन मुझे जिता के भेजा था जी, एक स्पेसिफिक एरिया था जहाँ जाके हमारे, वरना मेजोरिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंसी हम लीड करते रहे। आज 10 साल बीतने के बाद स्थिति और बुरे हाल हो गए जी, लोग तब भी नाराज थे, अब तो लोग इतने नाराज हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते। आप देख रहे हैं कैंडिडेट बदल दिया है जी, अभी तक 5% एरिया में भी वो नहीं जा पाए जी, आज 10-15 दिन हो गए उनको नहीं जा पाए जी, तो हालात ही है 15 क्या बल्कि 20 दिन से भी ज्यादा हो गए। मुझे सामने बोर्ड देखा आपका ऊपर अभी, वो नहीं जा पाए जी, जी। तो नाराजगी इतनी ज्यादा है लोगों में जी कि बीजेपी ने सोचा कि कैंडिडेट बदल लो, शायद नाराजगी दूर हो जाए। हाँ। और ये इनकी गलतफहमी साबित होगी, मतलब चेहरा बदलने से मोहरा नहीं बदलेगा। लोग दुखी हैं, आप देखिए एक बार कैमरा यहाँ करते हैं प्लीज, आप देखिए ये दिख रहा है बिल्कुल, ये मेन चौक है जिनके हालात हैं जी जी जी, आप देखो क्या है जी, और ये आज से नहीं है बिल्कुल, ये 10 साल हो गए मेंटेनेंस बंद है। जब ये हालात ये लोग करेंगे जी, शहर के नागरिकों को जानवर की तरह ट्रीट करेंगे। ये स्मार्ट सिटी वाली रोड है शायद, ये मुझे लगता है। ये नहीं, स्मार्ट सिटी की रोड नहीं है, एक ही रोड है पीछे। स्मार्ट सिटी की रोड ये जो इन्होंने बनाई थी वो टूटने लगी है जी, और 2200 करोड़ रुपए में 2200 करोड़ में इन्होंने बनाई है स्मार्ट सिटी जी। ये वो रोड है जो 2014 में चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंत्री थे तब बनी जी, 16 करोड़ की लागत से बनी जी, और ये रोड आज तक टूटी हुई नहीं है, आप देख सकते जी। चलिए, लेकिन इस रोड के साथ जी जो पार्क्स बनाए गए उनको डंपिंग यार्ड बना दिए गए, सीवर का पानी वहाँ रहता है, आज लोग उन पार्कों में घूम नहीं सकते। और चलो इत्तेफाक से वो पार्क के आगे आप देखिए, एक मिनट प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, ये पार्क बनाए थे हमारे टाइम, ये पार्क है, ये इन पार्कों का क्या हल किया इन्होंने, ये पार्क है, अरे जी इस पार्क का, ये इसीलिए लोग नाराज है जी, इस एंट्रेंस को देख लीजिए, इस कारण से इनको कैंडिडेट चेंज करना, ये पूरे शहर का हाल है जी, इसी कारण से ये कैंडिडेट चेंज किए गए। विजय जी, ये तो उनसे पूछूंगा जब भाजपा के बड़े नेता मिलेंगे कि आखिर उनको बड़खल के अंदर कोई बड़खल का कैंडिडेट नहीं मिला। मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूँ, सवाल ये है कि पिछले दिनों कृष्णपाल गुर्जर जी का मैं एक बयान सुन रहा था, फरीदाबाद के अंदर आपके विधानसभा क्षेत्र में थे वो जी, वो पंजाबी और गुर्जर वाली बात कर रहे थे, ऐसा आखिर चुनाव में करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? जब होमवर्क कमजोर हो जैसा कि अमित शाह जी आए थे जी और बोले कि ऐसे ही मेडिकल कॉलेज बनाया जी बीजेपी ने जी, यहाँ के नेताओं को होमवर्क कमजोर है, उनको गलत दे दिया लिख के, ये बना था एसी चौधरी साहब जब मिनिस्टर थे जी, उन्होंने बनवाया उनके कार्यकाल में कांग्रेस के समय में, ऐसे ही इनको जातिवाद पे इसलिए आना पड़ रहा है, इनका होमवर्क कमजोर है। ये शहर में सीवर देखिए आप जी, ये शहर में सीवर है देख लो आप, ये हमारा टाउन है जो कभी मॉडल होता था, मॉडल जी जी हिंदुस्तान में बिल्कुल, यहाँ क्या हालात है, बारिश भी नहीं है आज तो, बारिश भी नहीं, ये सीवर ओवरफ्लो कर रहा है जी जी जी। अब मैं आपको बताऊं भाई साहब जी, कृष्ण पाल जी आप देख रहे हैं काम नहीं किया, कैंडिडेट बदला, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जातिवाद कर दो ताकि वोट का पोलराइजेशन हो जाए। अब मैं कृष्ण पाल जी से एक बात कहता हूँ, इस शहर में देहात और शहर जी इसका भाईचारा 75 साल से जब ये टाउन बसा, ठीक बात है, हमारे सारे देहात का बाजार यही है, शादियाँ होती है ज्वेलरी यहाँ से आती है, शादियाँ होती है कपड़े यहाँ से आते हैं, राशन यहाँ से आता है, इलाज यहाँ से आता है, हमारे सारे शहर की फैक्ट्रियाँ हमारे नवादा डबुआ पाली गाजीपुर जी जी इधर है जी, आप देखो कितना बढ़िया गठजोड़ है, ठीक बात है, 75 साल में इनको कभी दिक्कत नहीं आई, 75 साल में उनको कभी दिक्कत नहीं आई, इनको दिक्कत है क्यों, पोलराइजेशन से वोट लेना चाहते हैं, इनमें गुर्दा है तो ये बात देहात में जाके बोले, लोकसभा में बोलते, लोकसभा में बोलते, देहात में बोलते, जो व्यक्ति कमजोर होगा अंदर से वो जातिवाद पे बंटवारे पे बात करेगा जी। विजय प्रताप जी, चुनाव नजदीक है, 5 तारीख है, खास कर रहता है फरीदाबाद के अंदर क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं या होने जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, खास कर रहता है कि लोग मतदान कम करते हैं, मैंने ये अपील बड़े शहरों में एक्चुअली क्या है, छुट्टी कैलकुलेट कर लेते जी, मैंने सबसे अपील की है इस बार अवेयरनेस है कि भाई छुट्टी पे मत जाओ, निराशा की वजह से कम होता है जी, जब पॉलिटिकल सिस्टम
काम नहीं करता है, हाँ, लोगों तो 20% आदमी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सरकार काम नहीं करती, क्या फायदा वोट डालने, छुट्टी पे चले जाओ जी। हमने लोगों को अपील की है कि भाई इस दफा प्लीज आप अपने शहर को बचाने के लिए वोट जरूर डालें जी। कोई अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूंगा, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट डालें जी। रिपोर्ट कार्ड जिसका बेहतर हो, जिस पार्टी का मैनिफेस्टो बेहतर हो, ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर हो, उस आधार पर वोट डालें। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे विजय प्रताप जो कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट डालें, और सशक्त अपील विजय प्रताप जी भी कर रहे हैं और आपसे हम भी करेंगे, जो खासकर बढ़खल कर पूरे हरियाणा के जो भी मतदाता हैं, अब की बार मतदान में अपना एक रिकॉर्ड बना दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।